छत्तीसगढ़ का पौराणिक संदर्भ हरि ठाकुर अपनी पुरस्तक छत्तीसगढ़ गाथा रूपांतर लेखमाला -1 परी 5 में छत्तीसगढ़ के पौराणिक संदर्भ का जिक्र करते हुए कहते हैं कि छत्तीसगढ़ वेदकाल जितना प्राचीन है। छत्तीसगढ़ पहले कौसल के नाम से जाना जाता था, वहां के राजा कौसल्य कहलाते थे और राजा कौसल्य की बेटी कौसल्या कहलाई। कौसल्या का विवाह अयोध्या के राजा दशरथ से हुआ था। यह कहानी यहाँ प्रचलित है कि राजा दशरथ ने एक ऋषि को बुलवाया और उनके द्वारा एक यज्ञ करवाया ताकि राजा को बेटा हो। उस ऋषि का नाम श्रृंगी ऋषि था जो सिहावा में एक आश्रम में रहते थे। महारानी कौसल्या को बेटा हुआ जिसका नाम राम रखा गया। इस प्रकार राम को छत्तीसगढ़ का भांजा मानते हैं और आज भी मामा भांजे का रिश्ता छत्तीसगढ़ में बहुत ही पवित्र माना जाता है। छत्तीसगढ़ में महारानी कौसल्या के नाम पर एक प्राचीन मंदिर है। हमें भारतवर्ष में और कहीं भी कौसल्या के नाम पर मंदिर नहीं दिखाई देता। सिर्फ छत्तीसगढ़ में है वह मंदिर। रायगढ़ बिलासपुर की सीमा में जो कोसीर ग्राम है वही है कौसल्या मंदिर। इस क्षेत्र का नाम कौसल इसीलिए रखा गया था क्योंकि कौसल नाम का एक राजा हुआ था जो बिंता के वंशज थे। बिंता थे सुद्युम्न के पुत्र। सुद्युम्न के बारे में पुराणों में एक कहानी प्रचलित है जिसके अनुसार सुद्युम्न पहले मनु की सबसे ज्येष्ठ संतान इला हुआ करती थी, जिसका योनि परिवर्तन हो गया और उसका नाम पुरुष रूप में सुद्युम्न पड़ा। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार मनु, जिसे द्रविड़ेश्वर कहा गया है और जिसका वंश सूर्य के नाम से प्रख्यात है, उसी मनु की संतान इला थी जो चंद्र के पुत्र बुध की पत्नी थी। उसी इला का योनि बदलने पर जब वह पुरुष बन गई और उसका नाम सुद्युम्न पड़ा, तब उसके 3 पुत्र हुए, बिंताश्व, उत्कल और गया। गया ने बसाया गया राज्य बिहार, उत्कल पश्चिम में अपना राज्य बसाया और जब उसके वंश में कौसल नाम का प्रतापी राजा हुआ तब यह क्षेत्र कौसल राज्य कहलाया। पुराणों के अनुसार वैवस्तव मनु के बड़े पुत्र इक्ष्वाकु थे। इक्ष्वाकु के एक पुत्र का नाम दंडक था, जिसने बस्तर में अपना राज्य स्थापित किया। दंडकारण्य के बारे में हम सब जानते हैं। पुराणों के अनुसार इक्ष्वाकु के पुत्र दंडक के कारण की यह क्षेत्र दंडकारण्य कहलाया। और जब शुक्राचार्य के शाप से यह राज्य भ हो गया तब यह राज्य भी कौसल राज्य के नियंत्रण में आ गया। कौसल राज्य में बहुत से ऋषियों के आश्रम की स्थापना हुई थी। उन ऋषियों में थे श्रृंगी, अत्रि, अगस्त, मतंग, मांतकर्णी, शर्भंग, सुतिक्ष्ण। राजा दशरथ की पुत्री थी शांता, जिसे अंक के राजा लोमपाद ने गोद लिया था। श्रृंगी ऋषि का विवाह इसी शांता से हुआ था। अत्रि मुनि के बारे में पुराणों में यह कहानी प्रचलित है कि ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार अत्रि मुनि ऋक्ष पर्वत पर आकर बस गए थे। बाद में सती अनुसुया को लेकर अत्रि मुनि छत्तीसगढ़ में आश्रम बनाकर रहने लगे। इसी आश्रम में ठहरे थे राम, सीता और लक्ष्मण। दंडकारण्य में जाने से पहले वे इसी आश्रम में ठहरे थे। हरि ठाकुर अपनी पुस्तक छत्तीसगढ़ गाथा रूपांतर लेखमाला परी 6 में कहते हैं कि अत्रि मुनि का आश्रम अतरमड़ा में रहा होगा। आश्रम को मड़ी या मड़ा भी कहा जाता है। मड़ा मठ का अपभ्रंश है। अत्रि का अपभ्रंश अतर हो गया, इस प्रकार अत्रि मठ अतरमड़ा के नाम से जाना जाने लगा। इस नाम का एक गांव धमतरी तहसील में है। हरि ठाकुर छत्तीसगढ़ गाथा रूपांतर लेखमाला परी 06 अगस्त। ऋषि जिनके बारे में कहा जाता है वे आए थे दक्षिण में आश्रम संस्कृति के प्रचार के लिए। उनका आश्रम बस्तर के दक्षिण पूर्व में था। अगस्त ऋषि का विवाह लोपामुद्रा से हुआ था। लोपामुद्रा थी विदर्भ की कन्या। लोपामुद्रा और अगस्त ऋषि के मंत्र ऋग्वेद में हम पाते हैं। छत्तीसगढ़ में वैद्यराज सुदेशन रहते थे। ये वह वैद्यराज थे जिन्होंने संजीवनी बूटी का पता बताया था। लक्ष्मण जब मूर्छित हो गए थे तब संजीवनी बूटी लाने हनुमान गंधमादन पर्वत गए थे। यह गंधमादन पर्वत ऋक्ष पर्वत का पूर्वी भाग है। राम की सेना के मुख्य सेनापति जामवंत ऋक्षराज कहलाते थे क्योंकि ऋक्ष पर्वत पर ही उनका राज्य था। छत्तीसगढ़ के बीच का भाग ऋक्ष पर्वत पर स्थित है। छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग विंध्य पर है और दक्षिणी भाग है शक्तिमत पर्वत पर। अमरकंटक पर्वत से सिहावा पर्वत तक पर्वत श्रेणियाँ ऋक्ष पर्वत के नाम से जानी जाती हैं। ऋक्ष पर्वत के पश्चिमी भाग में जो पर्वत है वह मेकन नाम से जाने जाते हैं और पूर्व भाग को गंधमादन कहते हैं। महानदी, नर्मदा, सोन, रेणु नदियां ऋक्ष पर्वत से निकली नदियां कही गई हैं। पुराणों में महानदी को चित्रोत्पला, नीलोत्पला कहा गया है। पुराणों में महानदी को पूर्व गंगा और कंक नदी भी कहा गया है। महानदी में 2 त्रिवेणी संगम है। पहला है राजम में। राजम में महानदी से पैरी और सोधुन नदियां मिलती हैं। दूसरा त्रिवेणी संगम है शिवरीनारायण में, जहां महानदी से मिलती है शिवनाथ और जोंक नदियां। जोंक नदी असल में है योग नदी।
पुराणों में राजिम को कमल क्षेत्र कहा गया है और राजिम से शिवरीनारायण तक को नारायण क्षेत्र। शिवरीनारायण है भगवान जगन्नाथ का मूल स्थान। हरि ठाकुर ने छत्तीसगढ़ गाथा रूपांतर लेखमाला -1 में परियो 5 कहा है कि छत्तीसगढ़ ही वह स्थान है जहां शिला पर भगवान जगन्नाथ का विष्णु के 10वें अवतार के रूप में उत्कीर्ण किया गया सर्वाधिक प्राचीन उदाहरण उपलब्ध है। पुराण के अनुसार महर्षि वाल्मीकि का आश्रम भी छत्तीसगढ़ में ही था। वह आश्रम था तुरतुरिया गाँव में। इसी आश्रम में उन्होंने रामायण की रचना की थी। निर्वासन काल में सीता भी तुरतुरिया में इसी आश्रम में रही। यही कुश और लव का जन्म हुआ। राम ने बाद में कुश को छत्तीसगढ़ का राज्य दिया था। कुश के वंशज हिरण्यनाम जो कोसल पर राज्य करते थे, वे इतने ज्ञानी थे कि ऋषि याज्ञवल्क्य उनके शिष्य थे। हिरण्यनाम को पुराण में कोसल्या वेदेह कहा गया है। कुश के वंशजों ने छत्तीसगढ़ पर महाभारत काल तक शासन किया। महाभारत काल में छत्तीसगढ़ में कृष्ण और अर्जुन आए थे युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के घोड़े की रक्षा करते हुए। पुराणों अनुसार महाभारत काल में हेह वंश के राजा मयूरध्वज उस वक्त रायपुर में शासन करते थे। वे बहुत ही पराक्रमी और दानी राजा थे। ताम्रध्वज थे उनके पुत्र। ताम्रध्वज ने ही युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के घोड़े को पकड़ लिया था। इसी कारण अर्जुन और ताम्रध्वज के बीच में युद्ध हुआ। ताम्रध्वज को अर्जुन जब बहुत कोशिश के बाद भी हरा नहीं सके, तब अर्जुन ने कृष्ण से पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है। उत्तर में कृष्ण मुस्कुराए और फिर कहा कि मयूरध्वज कृष्ण के भक्त हैं और वे परम दानी होने के कारण पुण्यशाली भी हैं। इसीलिए मयूरध्वज भी अपराजित है। अर्जुन ने कहा कि वे देखना चाहते हैं कि मयूरध्वज कितना बड़ा भक्त है। कृष्ण और अर्जुन पहुंच गए मयूरध्वज के पास उनकी भक्ति और दानवीरता को परखने के लिए। कृष्ण ने राजा से उसका आधा शरीर मांगा। अर्जुन आश्चर्यचकित हो उठे जब उन्होंने देखा कि मयूरध्वज अपना आधा शरीर देने को तैयार हो गए। राजा ने आरा मंगवाया और आंखें मूंद कर बैठ गए। जैसे ही लोग उन्हें आरे से काटने लगे, कृष्ण ने उन्हें रोक दिया और अपने परम भक्त को गले लगा लिया। पुराणों में भी यही कथा पाई जाती है। चित्रांगदा और अर्जुन की कहानी हम सब जानते हैं। चित्रांगदा मणिपुर की थी, यह भी कहानी के माध्यम से हम जानते हैं। रवींद्रनाथ ठाकुर की चित्रांगदा पर बहुत बार नाटक किया गया है। हरि ठाकुर अपनी पुस्तक छत्तीसगढ़ गाथा रूपांतर लेखमाला -1 में कहते हैं कि श्रीपुर जो छत्तीसगढ़ में है पहले मणिपुर के नाम से जाना जाता था और वहां पहले एक राजा थे जिनका नाम था चित्रांगद। उसकी पुत्री थी चित्रांगदा। अर्जुन इसी मणिपुर में आए थे और चित्रांगदा ने अर्जुन से विवाह किया था। कुछ महीनों के बाद अर्जुन लौट गए थे। चित्रांगदा को बेटा हुआ था जिसका नाम बभ्रुवाहन रखा गया था। बभ्रुवाहन भी बहुत वीर बालक था। एक बार उसने युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के घोड़े को पकड़ लिया था। बभ्रुवाहन को यह पता नहीं था कि अर्जुन उसके जन्मदाता हैं। अर्जुन और बभ्रुवाहन के बीच जब घोर युद्ध हुआ, अर्जुन न सिर्फ पराजित हुए, बल्कि वे बहुत बुरी तरह घायल भी होकर गिर पड़े। चित्रांगदा को जब पता चला तो वह अर्जुन के पास युद्धक्षेत्र में पहुंची और उन्हें अपने महल में ले आई। चित्रांगदा की सेवा के कारण अर्जुन तुरंत ठीक हो गए। इसके बाद बभ्रुवाहन को पता चला कि अर्जुन उसके पिता हैं। छत्तीसगढ़ में बहुत से वीरों का जन्म हुआ जिसे अर्जुन जैसे वीर भी पराजित नहीं कर सके।